Hello students, today we are going to understand topic sentence. What is a sentence? Actually, sentence is a group of words with three main characteristics. Number one, complete thought or idea. It means जो sentence होता है वो हमें complete sense बताता है. जैसे for example, blue sky is the. ये sentence जो है वो इसमें हमें कोई भी complete sense नहीं पता चल रहा कि क्या कह रहा है. लेकिन अगर इसी को हम rearrange करें, द स्काई इज ब्लू, इट मीन्स इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कि स्काई है जो कि ब्लू है. इट मीन्स ये सेंटेंस करेक्ट है और ये सेंटेंस नहीं है. दूसरा, ईच सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. और समटाइम्स सब्जेक्ट जो है वो गिविन नहीं होता है, वो अंडरस्टैंडेबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, पुट द बुक हेयर देयर. तो इसमें सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है. अगर आप इसे यू ऐड कर दें तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट. तो यू पुट द बुक देयर, तो ये सब्जेक्ट हो गया. थर्ड, इसका कैरेक्टर होता है मीनिंग. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है मीनिंग. इसमें सेंटेंस क्या कह रहा है वो मे बी स्टेटमेंट हो सकती है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या कमांड दे सकता है, या वो एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस हो सकता है. तो कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें थ्री मेन कैरेक्टर्स होते हैं. On the basis of the different meaning, there are four types of sentences. Now the types of sentences, and the number one is assertive sentence. Assertive sentence में information बताते हैं. A sentence which tells us facts and describe things is an assertive sentence. Assertive sentence two types के हो सकते हैं, positive और negative. For example, the top ranking girls of the school did well. ये जो sentence है इसमें क्या information मिल रही है, जो top ranking girls होती हैं वो school में भी अच्छा perform करती हैं. तो ये information दे रहा है top ranking girls के बारे में, और ये positive sentence है. Next sentence है, the lady in the pink dress is not my mother. इसमें क्या information आपको दे रहा है, या वो क्या describe करना चाह रहा है कि जो pink dress में एक lady है वो उसकी mother नहीं है. तो इसमें ये information थी, इसमें not लगा, it means ये negative sentence है. तो assertive sentence जो है वो टू टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड द सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बेस्ट तरीका होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो होता है एंड में. तो इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, और ये भी टू टाइप्स के होते हैं. एक डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एक्सेट्रा. दूसरे जो होते हैं, जैसे ये डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, जैसे इज, एम आर, हैज, हैव एक्सेट्रा. तो इसमें मेनली जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं वो यस और नो में उनका आंसर आता है. जैसे डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, इसमें आप आंसर क्या देंगे, यस और नो. आपके पास एक्स्ट्रा पेन है तो आप यस बोलेंगे, नहीं है तो आप नो बोलेंगे. तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एंड द थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कमांड देता है, या एडवाइस करेगा, या रिक्वेस्ट करेगा, और इसका जो एंड होता है सेंटेंस वो है फुल स्टॉप से एंड होता है, या समटाइम्स एक्सक्लेमेटरी साइन से भी एंड होता है. वो तब होता है जब हम किसी सेंटेंस को फोर्सफुली कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या कहना चाह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए. गो इनसाइड और यू विल कैच कोल्ड, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एडवाइस, रिक्वेस्ट हो रही है इसमें कि जाइए अंदर, नहीं तो आपको कोल्ड हो जाएगा. तो इस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या वो एडवाइस करेगा, या वो रिक्वेस्ट करेगा, या कमांड करेगा. एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स सच एज जॉय, सॉरो. इसमें फीलिंग एक्सप्रेस होती है, चाहे वो जॉय हो, सॉरो हो, एंगर हो, सरप्राइज. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द टूर्नामेंट. अब इसमें कौन सी फीलिंग शेयर हो रही है आपको, वो जीता है टूर्नामेंट को, तो इसमें फीलिंग ऑफ जॉय है. एंड द सेकेंड वन इज वॉट अ वंडरफुल सीन इट इज. इसमें एक सेटिस्फेक्शन है, वो उसने एक सीन देखा और उसे वो सीन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो उसमें फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है. सरप्राइज भी हो सकता है. इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे वॉट अ यूज फिश, ये एग्जाम्पल है इसमें. तो यूज जो है वो फिश को देखकर उससे क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है कि कितनी बड़ी फिश है. तो दैट्स ऑल द सेंटेंसेस. आई होप आपको समझ में आया होगा.